शहर में सबसे ज्यादा समझदार तुमको मानता हूँ, पर तुम इतनी छोटी सी बात से परेशान हो गई। मैं क्या है ना, देखो भाई, जिसके साथ रिश्ता जुड़ रहा है उसके साथ अगर पार्टनरशिप हो गई तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी, समझ रहे हो बात? मामा जी, रिश्ता अभी तक जुड़ा नहीं। उस अवंतिका के सामने तो मेरी बेइज्जती कर देता है, उसका मान रखने के चक्कर में वो मेरा दिल तोड़ देता है। अरे अंजलि, तुम तो जानती हो ना, उसकी उसकी आदत है हर बात पर टांग अड़ाना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें युवराज में कुछ कमी दिखाई देती है? नहीं, लेकिन कोई खूबी भी नहीं नजर। कमाल की बात है, पूरा घर उस पे फिदा है, उसके गुण गाते नहीं थक रहा, तुम्हें उसमें कोई अच्छी बात ही नजर नहीं आ रही? नहीं, मतलब मेहमान के तौर पर उसमें बहुत सारी खूबियां हैं सिद्धार्थ, लेकिन एज ए बिजनेस पार्टनर वो कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये तो हम नहीं जानते ना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे पहले युवराज का ट्रैक रिकॉर्ड पता लगाना पड़ेगा। हाँ, पहले आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानिए। लेकिन ये सब कुछ आप अचानक से क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें अंदाजा तो होगा ना कि मॉम डैड युवराज के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें अंजलि के लिए युवराज पसंद है। करेक्ट, तो इसीलिए मम्मा चाहते हैं कि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। मम्मी ने आपसे ऐसे कहा? नहीं, मामा जी ने मुझे बताया कि मम्मा ऐसा चाहती हैं और इस बारे में मुझसे बात करना चाहती हैं। सिद्धार्थ, अगर ऐसा है, मतलब अगर अंजलि की शादी की बात चल रही है युवराज से, तो फिर तो इस बिजनेस डील के बारे में आपको और भी सोचना पड़ेगा, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या? क्योंकि सिद्धार्थ, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं देखते कि अपना कौन है, पराया कौन है, वो सिर्फ ग्राहक होता है। लेकिन जब हम रिश्ते जोड़ते हैं ना, तब उसमें अपनापन आ जाता है। फिर अगर कहीं बिजनेस में नुकसान हो गया तो ऐसा ना हो कि अपनेपन की बुनियाद हिल जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अवंतिका, कमाल की बात है, ठीक यही बात मेरे मन में भी थी, मगर मुझे लगा कि एक बार तुमसे सलाह लेनी चाहिए। सिद्धार्थ, आप सलाह सबसे लीजिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा ना, वो आपको ही लेना है, और वो भी अपने भावनाओं से उठकर। थैंक्स। अच्छा, ऐसा तो बहुत बार होता है ना कि कोई बात हो जाती है तो हमें लगता है कि सब कुछ सत्यानाश हो गया, सारा खेल खत्म हो गया, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचो तो समझ में आता है कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अरे आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे बाबा सुन तो लो, वही बता रहा हूँ, बिंदिया को मेरी असलियत का पता लगना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे? देखो, मैं बिंदिया के सामने अवंतिका का चारा डालकर उसका फायदा उठाऊंगा, और दूसरी तरफ बिंदिया का इस्तेमाल करके वो शक दूर करूंगा जो अवंतिका के दिमाग में मेरे लिए आ गया है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आई? कोई बात नहीं, कुछ दिन और रुको, सब समझ में आ जाएगा। जब मेरे पत्ते खुलेंगे ना, तो तुम क्या, पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। बस कुछ दिन और। कैसे हो बेटा? प्रणाम मामा जी, बस आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए था। अच्छा, कहते हैं ना कि घर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से मिलने के लिए कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है। मामा जी, दिल में चाहत होनी चाहिए, फिर एक घर क्या, इंसान अगर दूसरे देश में भी बैठा हो तो भी मुलाकात हो जाती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, वैसे चाहत की क्या बात है बेटा, जिस दिन तुम इस घर में पहली बार कदम रखे थे, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा बेटा आ गया। तुमको पता है, अगर मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे बराबर होता। मुझे ऐसा लगता है युवराज की मेरा तुम्हारा दिल का रिश्ता है। है तो ये नीरा गधा, पर क्या पता कब काम आ जाए। थैंक यू मामा जी, आपकी ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है।
मैं सच कहूं तो मेरा दिल आपकी ओर बहुत खिंचता है, क्योंकि इस पूरे घर में सबसे ज्यादा अफेक्शनेट, अब मेरा मतलब है कि अगर कोई स्नेही है तो वो आप ही हैं। आपके तो दिल में प्यार की गंगा बह रही है। बस करो, अब रुलाओगे क्या? अरे मामा जी, कैसी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप किसी काम से आए थे? काम होगा तभी कोई मिलेगा क्या? हाल चाल लेने के लिए भी तो मिल सकते हैं। जरूर आ सकते हैं, बल्कि मुझे लगा कि आप इस समय पर आए हैं तो जरूर किसी काम से ही आए होंगे। तो मामा जी, घर की ही बात है, तकल्लुफ मत कीजिए, बता दीजिए। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कहने के लिए आया था कि इस घर के सारे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, तो अगर कभी भी इस घर की कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई तो बिल्कुल मत घबराना। देखो ये मेरी दीदी का घर और मैं इस घर का बहुत वफादार आगे भी रहूंगा, तो तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं हूं ना, मैं वो जिम्मेदारी बांट। मामा जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? अरे मैं भी यहां पर सब कुछ देख ही रहा हूं, और मैंने इतने साल अमेरिका में अपना बिजनेस चलाया है, तो मैंने झक थोड़ी ना मारी होगी, और मैं तो बल्कि इंसान को देखते समझ जाता हूँ कि इंसान किस तरह का है, तो आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता आप मेरे ही साथ। ठीक है तो चलता हूँ। मामा जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी वफादारी किस तरफ है, ना तो अपनी बहन की तरफ और ना ही इस घर की तरफ और ना ही मेरी तरफ। आपका तो सिर्फ एक ही भगवान है और वो है पैसा, लेकिन आप जैसे लोग कभी कभी नाजुक मौकों पर बहुत काम आ जाते, इसलिए आप लटकते रहिए मेरे आसपास, क्या पता कब काम आ जाए आप, लेकिन आपसे पहले तो मुझे बिंदिया से निपटना है। आओ युवराज, अंदर आ जाओ। अब जब दहलीज तक आ ही गए हो तो दहलीज भी लांग लो। वो क्या है ना, जब चोरों से सौदेबाजी करनी हो ना तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आ जाओ, अंदर आओ। तो मिस्टर युवराज, कहाँ थे हम लोग? तुम मुझे चोर कह रही थी। ओ, आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी, पर युवराज जी, हमने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना? आपके चोरी के सबूत हमारे पास हैं। अगर फिर भी आप पूरी बहस दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो हमें उस खेल में भी कोई एतराज नहीं है। अपना मुंह बंद करने की कीमत बताओ मुझे। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात, सीधे मुद्दे पे आ गए। कीमत बोलो। ठीक है तो सुनो, अब जब आप इतने ही समझदार हो तो आप ये भी समझ गए होगे कि हमें इस घर से क्या चाहिए। सिद्धार्थ की बीवी बनकर इस घर की मालकिन बनना, यही है ना? अरे वाह, आप तो वाकई में समझदार निकले। तो आप ये भी समझ गए होगे कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? अवंतिका। सही जवाब। तो फिर हमें यही कीमत चाहिए। युवराज, तुम हमारे रास्ते के रोड़े को हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, और ना ही तुमसे कभी ये पूछेंगे कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मंजूर है मुझे। तो डील पक्की? एक बात का ख्याल हमेशा रखना बिंदिया, कि मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी।
क्योंकि ये तो तुम समझ ही गई होगी कि अगर मैं इतना बड़ा प्लान बना सकता हूँ, इस घर में आ सकता हूँ, इस घर के लोगों के दिलों में बैठ सकता हूँ, तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हाँ, मुझसे दगा करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे दगा करने, हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब है। एक बार हमारा काम हो जाए उसके बाद जिसको जो करना है वो करे। गुड। लेकिन आप भी एक बात याद रखना युवराज, अगर तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश भी की ना, तो हमें एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा भांडा फोड़ने में, समझे? समझ गया। मेरा पासपोर्ट वापस करो। क्या हो गया आपको? अभी तो आप इतनी समझदारी वाली बात कर रहे थे, अचानक इतने भोले? मतलब ये कि क्या आपको वाकई में ये लगता है कि हम आपका पासपोर्ट आपको वापस कर दें? वो तो गारंटी है, गारंटी है इस बात की कि आप हमसे कोई धोखा नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन हमारा काम हो गया उस दिन आपको आपका पासपोर्ट भी वापस मिल जाएगा। बिंदिया, वाह, अपने पत्ते तुमने बहुत अच्छी तरह खेले, पर अब तुम्हारे हाथ में तुरुप का इक्का है जो तुझे इस खेल में जीत हासिल करवा के रहे। अवंतिका रानी, तुम्हें अभी तक इस घर से निकालने के लिए तो मैंने छोटी मोटी चालें चली, पर अब मेरे पास एक बड़ी चाल है। अब देखना मैं तुम्हें इस घर से कैसे निकालू और तुम कैसे बचती हो मेरे इस वार से। बड़ी खातिरदारी हो रही है आने वाले बच्चे की। क्या पता उस बच्चे को इस घर का आंगन नसीब होगा या नहीं होगा। अवंतिका, एक बात बोले, उस बच्चे पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारे को तो मालूम भी नहीं है कि उसकी माँ जो अपने ही ससुराल में बहू की पद्धति पर कब्जा करके बैठी है, उसे बहुत जल्द धक्के मारकर इस घर से विदा कर दिया जाएगा। जो दूसरों का बुरा चाहता है ना, उसका खुद का भी बुरा हो जाता है। भगवान सबका इंसाफ करता है। अवंतिका, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे भगवान तुम्हारे मोहल्ले में रहता है और वो सब तुम्हारी सुनता है, हमारी नहीं। अब ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म हो। काम अपना सामान बांध लो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा ना, तो तुम्हें सामान बांधने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये हमारा तुमसे वादा है। अवंति, इस तरह धक्के मारकर इस घर से निकाली जाओगी ना, तब भी मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। तुम गलत फहमी में जी रही हो बिंदिया। एक बात अच्छी तरह से सुनो, जब तक इस घर के रास्ते इज्जत से खुले हैं, इज्जत से इस घर से बाहर निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कल को खुद को ही खुद का मुंह दिखाने के लायक ना रहो तुम। अच्छा नहीं अवंतिका,
तुम किस जमाने में जी रही हो? आज हम भी एक ऐलान करते हैं कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि सिद्धार्थ जी पर किसका हक है, क्योंकि मेरे पास मेरे मंगलसूत्र की ताकत है जो सिद्धार्थ ने अपने हाथों से मुझे दिलाया है। मेरे मांग में सिद्धार्थ के नाम का सिंदूर है। तरह बेइज्जत कर इस घर से निकले, तुम सोच भी नहीं सकोगे। हम नाम याद रख, हम बिंदी। तुम क्या, तुम्हारी जैसी 100 बिंदिया भी आ जाए ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास मेरे मंगलसूत्र की ताकत है जो सिद्धार्थ ने अपने हाथों से मुझे दिलाया है। मेरे मांग में सिद्धार्थ के नाम का सिंदूर है। और तुम्हें क्या लगता है, और किसके घर में बैठकर किसी के पति पर अपना हक जमाकर कोई भी औरत किसी घर की बहू नहीं बन जाती, समझे तुम? ऐसा कभी नहीं होता है। दिनों से तो शांत थी, अब अचानक इसे कौन सा ऐसा मंत्र मिल गया जो इसने फिर से इतना बढ़ चढ़कर बोलना शुरू कर दिया, वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ। कुछ तो ऐसा हुआ कि इसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया। कोई तो ऐसी चीज इसके हाथ लगी जिसे ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बना रही, पर ये चीज हो क्या सकती है? जो भी हो मुझे सावधान रहना। अब ज्यादा वक्त नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हो रहा, इसलिए काम करो, अपना सामान बांधो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा ना तो तुम्हें सामान बांधने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये हमारा तुमसे वादा है अवंतिका, कि इस तरह धक्के मारकर इस घर से निकाली जाओगी ना कि कभी मुड़कर दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं। तुम्हारी रिपोर्ट्स ऑफिस से लौटते वक्त लैब से पिक कर ली मैंने। सब ठीक है ना? हाँ, मतलब ठीक नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है, रिपोर्ट सब क्लियर आई है, तो अच्छी बात है ना सिद्धा। पता है अवंतिका, जब युवराज तुम्हें बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल से लाया था ना तो हमसे बहुत डर गए थे। मैं सोच रहा था कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मगर रिपोर्ट क्लियर आई है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी कोई बात नहीं थी। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात थी। क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, और वैसे भी तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके थे, तो मैं बहुत डर गया था, बट थैंक गॉड सब ठीक हो गया। और रिपोर्ट ठीक आने का मतलब जानती हो तुम? क्या? इसका मतलब ये है कि तुमने अपना और हमारे आने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, इसका सारा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओहो स्वीट स्वेटर बना रही हो? हाँ। मम्मा भी हमारे आने वाले बच्चे के लिए मोजे बुन रही है। मैं कई बार इमेजिन करता हूँ कि हमारे आने वाला बच्चा जब इसे पहनेगा या पहनेगी तो ये रंग उस पर कितना फवेगा ना।
सब प्लानिंग करनी होती है, सही जगह देखकर मौके पे चौका मारना होता है। युवराज, हमने सारी प्लानिंग कर रखी, सब कुछ सोच रखा है हमने। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? युवराज, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके बस उस अवंतिका को इस घर से बाहर निकालो। हाँ तो ठीक है ना, डील हो चुकी है ना तुम्हारी मेरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा नहीं, काम अभी होना चाहिए। मुझे किसी भी हालत में अवंतिका घर में नहीं चाहिए। अरे ये मजाक है क्या? हाँ तुमने कहा बाजार जाओ सब्जी लेकर आओ और मैं लेकर आ गया। बिंदिया ऐसे काम मिनटों और घंटों में नहीं होते, समय लगता है, और अगर होते होते तो तुम अब तक कर चुकी होती। नहीं युवराज, मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए, उसके नाम से मुझे खुटन होती है। तुम कुछ भी करके उसे और इसके बच्चों को इस घर से बाहर निकालो, बस कैसे भी। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं नहीं, रो नहीं रही हूँ। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, दिल भर आया आंसू चले। कुछ सोच रही हो, कुछ चल रहा है तुम्हारे? बस यही कल्पना कर रही थी कि हमारा बच्चा आपकी गोदी में कैसे खेलेगा, आपके पीठ पर कैसे सवारी करेगा। यही सब सोच रही थी। पता है वंतिका, एक्चुअली मैं भी कई बार ना इमेजिन करता हूँ कि जब हमारा बच्चा एक्चुअली मेरी गोदी में होगा तो कैसी फीलिंग होगी यार। हमारा बच्चा, मतलब मन करता है इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं जितना जितना कभी किसी बाप ने अपने बच्चे को नहीं किया। उसके साथ खेलूं, उसके लिए घोड़ा बनूं, उसको थप थप करके सुलाऊं, डायपर चेंज करूं। नहीं, डायपर चेंज करने आते नहीं, पर मैं सीखना चाहता हूं अपने बच्चे के लिए। मैं उसको उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाऊंगा, और जब वो बोलने लगे तो पता नहीं फर्स्ट वर्ड क्या बोलेगा, वो पापा या मामा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पहले पहले मम्मा ही बोले हो, है ना? वो अवंतिका इतना खुश कैसे रह सकती है? कैसे रह सकती है वो इतना खुश? हम उसकी सारी खुशियां छीन लेंगे, सारे वो सपने छीन लेंगे उसके, जिस सपनों में वो इस घर में रह रही है, बर्बाद कर देंगे उसे। बिंदिया पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हम पागल हो गए। हम पागल हो गई हो तो जाकर पहले अपना इलाज करवाओ। ऐसे काम पागल बंदे नहीं होते, समझदारी के साथ प्लानिंग करनी होती है, सही जगह देखकर मौके पे चौका मारना होता है। युवराज, हमने सारी प्लानिंग कर रखी, सब कुछ सोच रखा है हमने। सोच रखा? हाँ। क्या प्लानिंग क्या किया था? मैं ऐसा प्लान बनाया कि नहीं नहीं वो अवंतिका रहेगी, नहीं उसका बच्चा। अगर हम ना बताए तो ये मत भूलो कि तुम्हें यहां हम लेकर आए। अगर जरा सी भी शर्म है ना तो चुपचाप बता दो कि सारा मामला क्या है। कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने कुछ बोलने के लिए कॉल किया होगा ना? हेलो हेलो।